हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। तो जो आज का टॉपिक रहेगा वो एंटी हिस्टामिन्स के यूजेस क्या हैं और साइड इफेक्ट क्या है। इसके लास्ट में जो लेक्चर में मैं डिस्कस किया था एंटी हिस्टामिन्स के बारे में, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उनका क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो उसका लास्ट एक टॉपिक रह गया है कि एंटी हिस्टामिन हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं, फिर क्या उसका यूज है और उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो एंटी हिस्टामिन के अगर हम यूज की बात करें तो लास्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन में भी डिस्कस किया था कि वो किन किन चीज़ों को एक्शन को इनहिबिट कर रहे हैं, कैसे हिस्टामिन के एक्शन को इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी में हम देखते हैं, फर्स्ट काम सबसे पहले जो उसका यूज रहता है वो रहता है एलर्जिक डिसऑर्डर, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि हिस्टामिन जो है, अगर आप सपोज करिए ऐसा भी कर सकते हैं कि जितने भी फिजियोलॉजिकल रोल हैं हिस्टामिन के, आप उसको अपोजिट करके एंटी हिस्टामिन के यूज में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो हिस्टामिन का काम है ये उसको एंटागोनाइज करेगा तो उसका अपोजिट भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एलर्जी डिसऑर्डर, एंटी हिस्टामिन को एलर्जी डिसऑर्डर में यूज करते हैं, क्योंकि हिस्टामिन जो है वो एलर्जी को इंड्यूस करा रहा है, तो एंटी हिस्टामिन जो होते हैं वो एलर्जी को कम कराते हैं। अभी कैसे काम करते हैं एलर्जी डिसऑर्डर पे, तो मैंने लास्ट में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी डिस्कस किया है हिस्टामिन के रिलीज के ऊपर, कि हिस्टामिन कैसे बॉडी में रिलीज हो रहा है, तो कैसे अपना एक्शन को शो कर रहा है। तो आपको याद होगा तो यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, ठीक है, यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है जिसके थ्रू जो है अपना हिस्टामिन जो है वो काम करता है, ठीक है। ये सपोज करिए यहाँ पर ये सेल है, ठीक है, उस पर एंटीबॉडी लगी हुई होती है, जैसे वो बाहर से एंटीजन हमारी बॉडी में आता है, ठीक है, वो इस एंटीबॉडी पे अटैच होता है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, ये सेल जो होती है, मास सेल जो होती है वो एक्टिव हो जाती है, इसके अंदर से जो हिस्टामिन होते हैं वो रिलीज होने लगते हैं बाहर, ठीक है। ये जनरली मैं रिलीज डिस्कस भी कर चुकी हूँ कि कैसे हिस्टामिन जो है हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, जनरली क्या है एलर्जी डिसऑर्डर। तो एंटी हिस्टामिन कैसे काम करते हैं, ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे काम ना करके ये उसके रिलीज को इनहिबिट करते हैं, क्लियर है। तो एंटी हिस्टामिन जो होते हैं ये हिस्टामिन के रिलीज को इनहिबिट करते हैं, हिस्टामिन का जो रिलीज हो रहा है सेल के अंदर से उसे नहीं होने देते, जिससे क्या होता है एलर्जी जो है वो डिक्रीज होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। सेकेंडली हम बात करते हैं प्रुराइटिस। प्रुराइटिस क्या होती है, स्किन इचिंग, ठीक है, जब हमारी स्किन पे इस तरह से इचिंग होने लगे कि हमें उसे स्क्रैच करने का मन करे या फिर उसे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्रुराइटिस, ठीक है। जब इस कंडीशन में इसको इनहिबिट करने के लिए हम क्या लेते हैं एंटी हिस्टामिन, ये भी अल्टीमेट किसका ही पार्ट हो गया, एक तरह की एलर्जी का ही पार्ट हो गया। जो भी हमारी बॉडी में हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हो रही हैं वो रिएक्शंस क्यों हो रही है, क्योंकि हिस्टामिन जो है वो रिलीज हो रहा है। हमें क्या करना था, हम हिस्टामिन को ही इनहिबिट कर देंगे, उसका रिलीज नहीं होने देंगे, तो ये जो इचिंग वाला पार्ट है या जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस जो हो रही हैं ये भी अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रुराइटिस इज द स्किन इचिंग, ठीक है, स्किन इन्फेक्शन, ठीक है, तो वो हमारा कंडीशन है प्रायरिटिस। तो एंटी हिस्टामिन को प्रायरिटिस में भी यूज करते हैं, क्लियर है। थर्ड हम बात करते हैं कॉमन कोल्ड एंड कफ। जैसे मैंने बताया भी लास्ट क्लासिफिकेशन में कि इसमें क्लोरोफेनायरामीन, प्रोमिथायाजीन, ठीक है, फेनायरामीन, ये सब प्रेजेंट होते हैं, जो कि जनरली आपने कफ सीरस में देखे होंगे, तो ये एंटी एलर्जिक एक्शन शो करता है, तो इसको हम कॉमन कोल्ड या कफ में भी यूज करते हैं। अब ये क्या करता है, कैसे एक्शन करता है, ये जनरली क्या होता है, ये सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है, ठीक है। एंटी हिस्टामिन जो होते हैं, जो भी सिम्टम आते हैं केवल उसी को रिलीफ देता है, मतलब जो उसे जड़ से, वो जड़ से खत्म करने वाली चीज, वो जड़ से उसे खत्म नहीं करता, मतलब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्शन कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। हमें खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, सर्दी हो रही है, ठीक है, तो केवल सिम्टम्स के अकॉर्डिंग काम करता है, हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ दे देगा, लेकिन हमारा जो बेसिक जो मैकेनिज्म चल रहा है कि रेस्पिरेशन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या दिक्कत हो रही है, जिससे कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, उस पर जाके एक्शन नहीं करते हैं, तो ये सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से ये भी पार्ट हो गया एलर्जी का ही, ठीक है। तो अल्टीमेटली एलर्जी को कम करेंगे, हिस्टामिन के रिलीज को कम करेंगे, जो भी रनिंग नोज वगैरह देखने को कंडीशन मिलती है, छींके आना, रनिंग नोज, तो इसको कम करेंगे तो कफ में भी रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड एंड कफ में भी इसको यूज किया जाता है। फोर्थ हम बात करते हैं मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस क्या होती है कि जब हम ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं, ट्रेवलिंग के टाइम पे जो भी हमें घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है, उस कंडीशन को बोलते हैं मोशन सिकनेस, ठीक है। तो ये मोशन सिकनेस में भी यूजफुल होता है, इसमें जो ड्रग आती है फर्स्ट जनरेशन की प्रोमिथायाजीन,
ठीक है। तो प्रोमीथायाजिन इसमें यूज की जाती है मोशन सिकनेस में और मॉर्निंग सिकनेस में भी यूज करते हैं। मॉर्निंग सिकनेस इज द अर्ली मॉर्निंग जो भी एंग्जाइटी या घबराहट वाला फीलिंग जो रहता है जनरली प्रेग्नेंट लेडीज में देखा जाता है, तो उसमें इसको यूज करते हैं। जो ड्रग मेनली यूज करते हैं वो करते हैं प्रोमीथायाजिन, ठीक है। फिफ्थ हम बात करते हैं वर्टिगो। व्हाट इज अ वर्टिगो? वर्टिगो इज अ कंडीशन जब हमारा जो हेड है मूवमेंट हो, मतलब चक्कर जिसे आते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं वर्टिगो, ठीक है। अभी वर्टिगो क्यों हो रहा है, चक्कर आते हैं वो क्यों होते हैं, वर्टिगो में क्यों हो रहा है? जब भी हमारा ईयर, ठीक है, इनर ईयर का जो बैलेंस है, आपने पढ़ा होगा ना ईयर की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी आपने पढ़ी हो, तो हमारे ईयर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे लास्ट वाला जो पार्ट रहता है वो इनर ईयर रहता है। ईयर में भी फ्लूड होता है जिसे हम बोलते हैं लैबरिंथ, ठीक है। ईयर में भी फ्लूड होता है उसे बोलते हैं लैबरिंथ। इनका एक प्रॉपर बैलेंस बनना जरूरी है, इसमें प्रॉपर रिफ्लेक्सेस जो हो रहे हैं जिससे हमारा बॉडी जो है वो मूव कर रहा है या फिर जो भी वर्क कर रहा है प्रॉपर ईयर जो है, ठीक है। तो इसमें जो रिफ्लेक्सेस होते हैं इससे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो इनर ईयर में जो लैबरिंथ होता है, जब इसमें जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उसमें डिसबैलेंस हो जाए, उसकी वजह से हमें वर्टिगो देखने को मिलता है, या फिर ब्रेन के कुछ पार्ट में प्रॉब्लम हो जाए उसकी वजह से भी वर्टिगो कंडीशन देखने को मिलती है। तो वर्टिगो अल्टीमेटली क्या है कि जब भी हमें चक्कर आते हैं या कुछ भी हेड मूविंग हेड वाली जो फीलिंग रहती है वो हमारे वर्टिगो कहलाता है। और वर्टिगो क्यों हो रहा है? इनर ईयर के जो लेबरिंथ है उसमें रिफ्लेक्सेस में प्रॉब्लम हो जाए या फिर डिसबैलेंस हो जाए, प्रॉपर बैलेंसिंग ना हो पाए, इसकी वजह से हमें वर्टिगो होता है, ठीक है। जनरली इसमें जो ड्रग काम करती है वर्टिगो में वो काम करती है हमारी सिनेरिजिन, ठीक है। सिनेरिजिन जो भी H1 एंटागोनिस्ट की फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है सिनेरिजिन, ठीक है, ये हमारे वर्टिगो में यूज की जाती है। अब इसका काम क्या होता है, क्या करती है? ये हमारे कैल्शियम के इन्फ्लक्स को कम कर देती है, ठीक है, डिक्रीज कर देती है। किस पे? कैल्शियम के इन्फ्लक्स को। जो भी ईयर में जो भी डिसबैलेंस हो रहा है कैल्शियम की वजह से, ठीक है, तो उसके इन्फ्लक्स को कम कर देती है जिससे प्रॉपर रिफ्लेक्सेस या प्रॉपर उस पर बैलेंसिंग होने लगती है, प्रॉपर वर्क होने लगता है। तो इस तरीके से वर्टिगो में सिनेरिजिन का यूज होता है, वर्टिगो में सिनेरिजिन काम की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 पॉइंट पे, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। मैंने लास्ट में भी डिस्कस किया है एंटी हिस्टामिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन में कि इसको एज अ लोकल एनेस्थेटिक भी काम किया जाता है, क्योंकि ये सेडेशन करता है। एंटी हिस्टामिन को यूज करने के बाद में सेडेशन होता है, ठीक है। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन मतलब क्या होता है? प्री एनेस्थेटिक मतलब कोई भी मेडिकेशन देने से पहले ही हम पेशेंट को एनेस्थेशिया देते हैं ताकि उसको आगे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। पहले से उसको जो एनेस्थेशिया दिया जाता है उसको मिशन बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, ठीक है, ताकि जो आगे ट्रीटमेंट चलने वाला है तो उससे कोई जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं वो चीज़ को हम ओवरकम कर सके, तो इसलिए हम प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन देते हैं। तो इसको एंटी हिस्टामिन में हम प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट आ रहा है 7th पार्किंसोनिस, ठीक है। पार्किंसोनिस में क्या होता है? माइल्ड सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है, इसका माइल्ड एक्शन है पार्किंसोनिस में। लेकिन जैसा मैंने बताया कि एंटी हिस्टामिन जो होते हैं वो सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं, तो ऐसा ही पार्किंसोनिस में भी ये माइल्ड सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है। जो भी इसके सिम्टम्स आते हैं, डिस्केनेजिया या बॉडी मूवमेंट प्रॉपर ना होना, ब्रीदिंग प्रॉपर ना होना, तो वो हमारा क्या होता है? पार्किंसोनिस के सिम्टम्स है, तो उसमें माइल्ड इफेक्ट देता है पार्किंसोनिस का, कोई मेजर रोल नहीं है, ठीक है। लास्ट आता है एस सेडेटिव, हिप्नोटिक एंड एनेक्सियोलाइटिक। सेडेटिव मतलब क्या होता है? सुस्ती आना। हिप्नोटिक मतलब होता है नींद आना। एनेक्सियोलाइटिक मतलब होता है घबराहट वगैरह होना, ठीक है। तो इन तीनों में इसको यूज किया जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया भी है कि एंटी हिस्टामिन जो होते हैं वो सीएनएस डिप्रेसेंट करते हैं, की तरह काम करते हैं, हमारे ब्रेन को डिप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें सेडेशन हिप्नोटिक जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसे आप एंग्जाइटी वगैरह में भी यूज करते हैं, इसे घबराहट वगैरह कम हो। तो ये आपके यूजेस है एंटी हिस्टामिन्स के, मेजर यूजेस मोस्टली इनमें यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये जो यूजेस है वो H1 एंटागोनिस्ट के, ठीक है। अगर आपको H2 एंटागोनिस्ट के यूजेस भी इसमें ऐड करने हैं तो आप इसको लिख सकते हैं इसमें पेप्टिक अल्सर, ठीक है, GERD और अदर स्टमक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये भी हमारे यूज में आते हैं। और ओवर एंटी हिस्टामिन का जो यूज है ये इतने थे, H1 एंटी हिस्टामिन के यूज थे और H2 एंटी हिस्टामिन के जो यूज रहते हैं
उसे हम पेप्टिक अल्सर में, जिसमें पहले ही बताया है कि H2 एंटागोनिस्ट जो होते हैं हमारे बेसिकली स्टमक पे काम करते हैं, हमारे SCL के सिक्रीशन को स्टमक में कम कर देते हैं, तो इस वजह से पेप्टिक अल्सर में, ठीक है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जितनी भी हो रही है उस सब में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी यूजेस है किसके, एंटी हिस्टामिन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की, इनको लेने से हमें क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे मेजर आप ये सपोज करके चलिए कि जो भी एंटी हिस्टामिन ले रहे हैं, जो भी आपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन में पढ़ा, तो उसमें हमारा बेसिकली क्या क्या उसमें मेजर एक्शन थे जिससे हमारी बॉडी पे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, ठीक है, तो हमारा जो एंटी हिस्टामिनिक है वो एंटीकोलिनर्जिक एक्शन भी शो करता है। तो एंटीकोलिनर्जिक एक्शन शो करने से जो भी साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राइनेस ऑफ माउथ, मतलब एसिटाइल कोलिन के एक्शन को कम कर रहा है जिसकी वजह से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ठीक है, ब्लर विजन और बोन मूवमेंट में ट्रिगरेंस होना, तो ये हमारे एंटीकोलिनर्जिक एक्शन की वजह से भी आ रहा है क्योंकि एंटी हिस्टामिन जो होता है वो एंटीकोलिनर्जिक एक्शन शो कर रहा है, तो उनके सेम साइड इफेक्ट यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, सेकंड चीज हमने देखी CNS डिप्रेस है, ठीक है, क्योंकि हमारा CNS डिप्रेस कर रहा है तो ये भी एक साइड इफेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो वही आपने यहाँ पर देखा हुआ है, यहाँ पर साइड इफेक्ट में लिखा हुआ है सिडेशन। ठीक है, सिडेशन करता है डिमिनिश द अलर्टनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन, जो भी पेशेंट की अलर्टनेस है, कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि सिडेशन रहेगा, नींद आएगी, सुस्ती आएगी, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो अलर्टनेस और कॉन्सेंट्रेशन को भी ये कम करेगा। ठीक है, तो ये जो चीज आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, हमारे CNS डिप्रेशन की वजह से आ रही है। ठीक है, एंड थर्ड चीज अगर हम देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस। एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस का मतलब क्या हो गया कि जब हमारा स्टमक जो है प्रॉपरली काम ना करे, प्रॉपरली डाइजेशन ना करे, तो ये जो साइड इफेक्ट आता है वो किसकी वजह से आएगा, हमारे H2 एंटागोनिस्ट की वजह से आएगा। जो H2 रिसेप्टर हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी वजह से आएगा। जब हमारा एक्शन कुछ ज्यादा हो जाए तो SCL सीक्रेट हो रहा है ये बंद कर दे, या फिर हमारा स्टमक जो है वो प्रॉपरली काम ना करे, तो साइड इफेक्ट का काम करेगा ये, तो एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस भी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा जो इसके साइड इफेक्ट रहते हैं वो रहते हैं हेडेक, ठीक है, फैटीग होना, मोटर इनकोऑर्डिनेशन। मोटर इनकोऑर्डिनेशन भी आपका सेडेशन की वजह से हो सकता है। जब हमने कुछ ज्यादा ही अमाउंट में एंटी हिस्टामिनिक्स ले लिया तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा सेडेशन या फिर नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है ब्रेन पे ज्यादा इफेक्ट कर गई और हमारा प्रॉपरली हमारा कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो पा रहा है, तो मोटर इनकोऑर्डिनेशन हो गया। कोऑर्डिनेशन मतलब प्रॉपरली जो हमारा बॉडी जिस फ्लो में वर्क करती है उस फ्लो में वर्क ना कर पाए, तो वो हमारा कहलाता है मोटर इनकोऑर्डिनेशन। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है डर्मेटाइटिस ऑन लोकल एप्लीकेशन। जैसे मैंने बताया भी है कि एक लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम करती है एंटी हिस्टामिन। ठीक है, तो लोकल एनेस्थेटिक है तो सिंपल से हम लोकली ही इंजेक्ट करेंगे। अगर इसे स्किन के थ्रू इंजेक्ट करते हैं तो वहां पर वो रेडनेस कॉज करती है, तो ये हमारी डर्मेटाइटिस भी कॉज कर सकती है। डर्मेटाइटिस मतलब क्या होता है, स्किन इन्फेक्शन। डर्मिस मतलब स्किन, स्किन का पार्ट हो गया डर्मिस, लास्ट में क्या है टिस, इसका मतलब क्या हो गया इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फ्लामेशन, जब हमारी स्किन पे इन्फ्लामेशन हो जाए उस कंडीशन को बोलते हैं डर्मेटाइटिस। तो हम एंटी हिस्टामिन को जब भी लोकली एडमिनिस्टर करते हैं ऐसे इंजेक्शन के थ्रू दे या फिर इंट्राडर्मल दे, तो ये हमारे स्किन पे उस एरिया में रेडनेस इचिंग वगैरह कॉज कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारे से साइड इफेक्ट है जो आपने अपने आप भी बना सकते हैं कि जो भी हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ा कि एंटी हिस्टामिन के कुछ अच्छे साइड इफेक्ट भी हैं तो कुछ बेकार साइड, एंटी हिस्टामिन के कुछ अच्छे इफेक्ट्स भी हैं तो कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। ठीक है, तो साइड इफेक्ट मेजरली यहाँ पे CNS रिलेटेड हो गया, हमारा CNS डिप्रेसेंट रिलेटेड हो गया, ठीक है, हमारा एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस हो गया और हमारा सेडेशन वगैरह हो गया और एंटीकोलिनर्जिक एक्शन हो गया। एंटीकोलिनर्जिक एक्शन की वजह से जो भी इसके साइड इफेक्ट है वो शो होते हैं। ठीक है, तो ये आपका यूजेस हो गया एंड साइड इफेक्ट हो गया। तो ऑटोकॉइड्स का जो पढ़ रहे थे, तो ऑटोकॉइड का जो फर्स्ट टाइप था जिसमें हमने स्टडी किया हिस्टामिन, तो हिस्टामिन का हमने कंप्लीट हो गया है आपका चैप्टर जो है हिस्टामिन वाला, कि हिस्टामिन का क्या क्लासिफिकेशन है, रिसेप्टर क्या है, ठीक है, हिस्टामिन कैसे बॉडी में रिलीज होते हैं, ठीक है, कैसे सिंथेसाइज होता है, उसका क्या फिजियोलॉजिकल रोल है, देन उसके एंटागोनिस्ट भी हमने पढ़े, एंटी हिस्टामिन के क्लासिफिकेशन क्या है, उसके यूज वगैरह। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सेरोटोनिन के बारे में। ठीक है, तब तक लिए आप बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स इसके मिलते रहे। ठीक है, नोट्स के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक लिए थैंक यू।